नमस्कार, मैं फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन का आपका अपना जनरल सेक्रेटरी संजू श्रीवास्तव आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग घर पे रहो, लोगों के बीच में रहो, बाहर मत निकलो। बाहर अगर कोई जरूरत पड़े तो बिना मास्क का बाहर मत निकलो। हमें पता है कि हमारे मजदूर इस समय काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें अभी तक ना ही केंद्र से ना ही राज्य सरकार से कोई भी हमें नहीं लग रहा कि सुविधाएं मिली हुई हैं। हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि हमारे मेंबरों पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस राज प्रोडक्शन हाउस से कुछ सलमान खान के यहाँ से हमारे मेंबरों को सहयोग दिया गया, कुछ फंड फेडरेशन में आया हुआ है जो कि हम टैली करने के बाद कि हर मेंबर को बराबर पेमेंट जाए उसको हम देने की कोशिश करेंगे। हमने राशन वितरण करने की कोशिश किया था, लेकिन एक दिन में 200 से 300 लोग आ गए, उसमें हमें पुलिस स्टेशन से प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोगों ने यूनियन ऑफिस में राशन बांटना बंद कर दिया। अभी राशन हमने बांटा भी, यूनियन में रखा भी है, लेकिन हम बांट नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुलिस परमिशन नहीं दे रही। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे पास जो 12,500 अकाउंट नंबर पहले थे हमने फेडरेशन को दे दिया था, फेडरेशन के थ्रू उन लोग को सहयोग मिल रहा है। बाकी के अभी इन दिनों में मुझे 2,500 तक अकाउंट नंबर मिले क्लियर, जो कि एक एक मेंबर तीन तीन चार चार जगह वही अकाउंट नंबर दे रहे थे जो कि गलत थे। एक आदमी को एक ही जगह देना चाहिए था, उसमें भी काफी टाइम लगा। 2600 नए अकाउंट नंबर मिले हुए हैं, उनको भी हम जरूर देंगे। बाकी के लोग जो बच गए हैं, कोई का चंदा क्लियर है नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि सबको यह सपोर्ट मिल सके और सबको देने की कोशिश करूंगा फेडरेशन के साथ मिलकर के। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास भी काफ़ी फोन्स आ रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं, हम सारे फोन्स नहीं उठा पा रहे क्योंकि आज एक एक दिन में 2-2, 3-3 हज़ार लोग फोन कर रहे हैं, हम कैसे उठाएंगे। और ना ही हमको ऑफिस आने का परमिशन है, ऑफिस स्टाफ को भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक आध घंटे के लिए कभी परमिशन मिल जाता है, उसमें मेंबरों का हम पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना हो सकता है अपने मेंबरों की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सलमान खान के यहाँ से सभी मेंबरों को 3-3 हज़ार गया हुआ है। एक बार हम लोग और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी सलमान खान से जिसे बात कर रहे हैं, एक एक बार फिर से सबको 3-3 हज़ार का सहयोग दिलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग को सहयोग वहां से नहीं मिल पा रहा है, अकाउंट आने में लेट होएगा क्योंकि काफी लोग का अकाउंट नहीं आ पा रहा है, हो सकता है लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑफिस में, आप लोग को बोल रहा हूँ ऑफिस में आके आप लोग अकाउंट, आपको भी जरूर सहयोग दिया जाएगा फेडरेशन से। जो लोग को सलमान खान और एसरत से मिल गया है, बाकी के लोगों को फेडरेशन से दिया जाएगा। अगर बचेगा जो भी अमाउंट्स वह जो सलमान खान जो यशराज में पाए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग, एक नंबर दिया जा रहा है उसी पे केवल अपने आधार कार्ड अकाउंट नंबर सब दीजिए और फेडरेशन आपकी एसोसिएशन जरूर आपको सहयोग देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो यूनियन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, यह गलत बातें करने का टाइम नहीं है। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि यूनियन का पैसा मैं लोगों में बांट दूं, तो वो मैं कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ 46,000 लोग हैं, 46,000 में 12,000 लोग चंदा भरते हैं, वो जो फंड है वो 12,000 लोगों की है, 12,000 की लोगों की फंड में सभी मेंबरों में इस तरीके से जो लोग 15-15 साल से चंदा नहीं भरे हैं उनको भी सहयोग चाहिए। तो हम वो पैसा जो 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 चंदा भर रहे हैं क्लियर कर, उनका पैसा दूसरों में वितरित नहीं कर सकता। हाँ, हमें जितना हो सकता है जरूरतमंद लोगों की हम यूनियन के पैसे से भी करेंगे और हमारे इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर बॉडी और आर्टिस्ट आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, सभी लोगों के लिए खड़े हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो फेडरेशन में फंड दे रहे हैं, वो फंड सबको बता करके कि कितना फंड आया है वो लोगों में जरूर बांटा जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार फेडरेशन में 2,80,00,000 रुपया फंड आ चुका है, बाकी के लोग भी सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे फंड एकत्रित होने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को फेडरेशन से क्राफ्ट संबंधित क्राफ्ट को यह सहयोग राशि दिया जाएगा, जो भी हमारे 32 यूनियन के लोग हैं।
कल्याण ज्वेलर्स और अमिताभ बच्चन जी ने और सोनी टीवी ने मिलकर के आईफेक्ट जो ऑल इंडिया हमारा एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष अशोक दुबे जी हैं, उनके मार्फत से हमें पूरे इंडस्ट्री के 1,00,000 लोगों को 1,500 का कूपन आया है, जिसमें से 25,000 से 30,000 मुंबई फिल्म फेडरेशन को मिला हुआ है। उसमें से हम अपने मेंबरों को सबको बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, यूनियन कार्ड, तीनों आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप करिए सबको। उसके बाद ऑनलाइन एक नंबर मिलेगा, वो आप बिग बाजार में जाके दिखाएंगे, व्हाट्सअप पे ही आपको मिलेगा। वो बिग बाजार में जाएंगे आप, 1,500 रुपया का आप कूपन से कुछ भी खरीद सकते हैं 2 महीने तक। और एक बात, जो लोग फालतू लोग चिल्ला रहे हैं और अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, मैं पहले भी बोला था, आप कोई भी आप लोग अकाउंट नंबर किसी को मत दो। जो भी आपकी यूनियन है फेडरेशन है, आपके लिए जितना हो सकता है करने की कोशिश करेंगी, किसी के बहकावे में मत आओ। और आप लोग किसी का भी, फिर से बोल रहा हूँ, जिसका चंदा क्लियर है नहीं है, उसे हम सहयोग देने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम समय पे, इस समय हमको करना चाहिए, हम सबका इस समय पे सहयोग नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई फाउंडेशन, हमें ऑफिस नहीं आने दिया जा रहा है, हमारे ऑफिस स्टाफ नहीं आ पा रहे हैं सबके लिए। जैसे आपके तो क्लियर करोना है, ऑफिस स्टाफ के लिए भी करोना है, जैसी महामारी चल रही, हमारे कमेटी मेंबरों के लिए चल रही, कोई भी चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं कि सभी को हर तरीके से सहयोग देने की कोशिश किया जाएगा। जिसका चंदा क्लियर है नहीं है, आप लोग शांति बनाए रहेंगे, हमारे सारे लाइटमैन, सारे स्पॉट बॉय, सारे सिटिंग वाले सब हमारे अपने हैं, उनकी देखभाल करने का हमारा फर्ज है। हम जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा सबको सपोर्ट देने की। और एक बार फिर से, अपने घर पे रहें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें। नमस्कार।